प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को सबसे पहले जय सु। मैं अंकिता डुंडू हूँ। मैं कोरोना वायरस के बारे में आप सभी को मेरे अनुभवों को कहना चाहती हूँ। प्यारे भाई और बहनों, कोरोना वायरस एक ऐसा जीव है जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर ने संसार को रचा है तो मनुष्यों को प्रथम स्थान दिया और मनुष्यों को प्रथम स्थान दिया, पर मनुष्यों ने इसका गलत तरीके से उपयोग किया और आज पृथ्वी का रूप ही बदल दिया। आज इस युग में ऐसा मुसीबत इस पृथ्वी में खड़ा कर दिया है कि मनुष्य केवल एक जीव है, एक छोटा सा जीव है जिसे हम अपने आँखों से देख नहीं सकते हैं। उसे कोरोना जैसे घातक ने झंझोर कर रख दिया है और इसने लाखों की जान लिया है। इससे हमें ऐसा लगता है कि जीवन संग भंगुर है, कभी भी मुरझा जा सकता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, इसलिए हमें इस कोरोना बीमारी से संरक्षण पाने के लिए एकमात्र उपाय है प्रार्थना में जीवन बिताना और हिम्मत न हारते हुए निरंतर प्रार्थना में लगे रहना।